दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को यानी कि इस होल्डिंग सर्किट का जो कॉन्टैक्ट होता है इसको इस कॉन्टैक्टर के साथ कैसे लगाएंगे। और ये जो कॉन्टैक्टर है ना ये एलएनटी कंपनी का है MNX-80। तो हमें ये टास्क आज पूरा करना है, तो चलिए इसको पहले फटाफट ओपन कर लेते हैं। तो ध्यान से इसमें जो स्क्रू होते हैं वो खो जाएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी लगाने में। देखिए मैं इसको ओपन किया, इसमें कोई स्क्रू नहीं है, पन्नी साइड कर देते हैं। इसमें जो स्क्रू है ना देखिए वो बाहर नहीं निकलता, इसकी कुछ खासियत है, स्क्रू बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा और इसी को हमें इसमें टाइट करना है। अब देखिए लगता कहाँ पे है, ये लगता है देखिए साइड में, इस तरफ भी लग सकता है एक और इस तरफ भी लग सकता है एक, जहाँ पे भी आपको वायरिंग की इजी फ्लेक्सिबिलिटी मिले आप उस तरफ लगाइए। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं लगाता हूँ इस साइड। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्टिकर को निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ना इस कॉन्टैक्टर के साथ मैकेनिकली जुड़ता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना ये ब्लू वाला जो पिन है, ये जो ब्लू पिन है वो इसके अंदर फिक्स होगा, तो फिक्स होने के लिए जगह चाहिए। तो भी देखिए पूरा प्लेन है, जब मैं इसको हटा दूंगा तो मुझे एक कैविटी मिल जाएगी इसको फिक्स करने के लिए, और ये दोनों स्क्रू खोलने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि इसके अंदर मुझे ये वाले स्क्रू टाइट करने हैं। तो फटाफट क्या करते हैं, स्टिकर हटाते हैं, स्क्रू को खोलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रू खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रू हमने रिमूव कर लिया है, अब हम हटाते हैं स्टिकर। तो स्टिकर आप आसानी से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टिकर पे हटा दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पिन को पहले इस होल में बिठाना है, पहले इसको टाइट नहीं करना है, पहले इसको बिठा लेना है। तो ये कैसे बिठाना है, सबसे पहले आप ट्राई कीजिए इसको इस होल में डालने के लिए, और जैसे ही होल में बैठ जाए, ठीक है, जैसे ही होल में बैठ जाएगा उसके बाद आप इसको प्रॉपर स्क्रू से टाइट कर दीजिएगा। और देखिए पहचानना कैसे कि फिक्स हो गया है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी स्पेस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है और ये प्रॉपर बैठ गया है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको प्रॉपर टाइट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे अपने होल में बैठ जाएगा ना ये प्रॉपर टाइट हो जाएगा, और ज्यादा ताकत नहीं लगानी है वरना डैमेज हो सकता है, नॉर्मल हीट आपको टाइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इस ऑक्सिलरी ब्लॉक को यहाँ पे फिट कर दिया है। तो जैसे ही मेरा कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ होगा, अब देखिए मेरा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो अब मैं इस कॉन्टेक्टर के साथ ऑक्सिलरी सर्किट भी बना सकता हूँ। तो इस तरीके से हमने LNT का MNX-80 के साथ एक ऑक्सिलरी ब्लॉक लगाना सीखा। थैंक यू।